जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन एक बार फिर से बात करेंगे MI LED TV 4C Pro के बारे में। दोस्तों इस टीवी को यूज करते हुए दोस्तों मेरे को 3 मंथ से ज्यादा हो चुके हैं दोस्तों, और कैसा रहा है इसका यूज एक्सपीरियंस और दोस्तों 3 मंथ के बाद इसकी परफॉर्मेंस कैसी है टीवी की, वही बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देसी गुरु जी चैनल में। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं मेरी टीवी स्क्रीन पर। जैसा कि दोस्तों अपन आ गए मेरी टीवी स्क्रीन के ऊपर दोस्तों, और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, ये एक एंड्रॉयड टीवी है कंप्लीट दोस्तों, और दोस्तों इसके अंदर 1 GB रैम है और एंड्रॉयड ओरियो 8 है इसके अंदर दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप एंड्रॉयड फोन यूज भी करते हैं तो उसको उसको टाइम जैसे टाइम टाइम होता रहता है, जैसे मतलब 1 साल हो गया, 3 महीने, 5 महीने, 6 महीने हो गए यूज करते हो, तो उसके परफॉर्मेंस में थोड़ा सा चेंजेस आता है दोस्तों। तो इसी प्रकार इस टीवी में भी चेंजेस आता है दोस्तों। तो मैं इसको 3 मंथ से यूज कर रहा हूँ, तो दोस्तों इसमें मेरे को थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला है। जब मैं इसको सेटिंग्स ओपन करता हूँ, या फिर मैं इसमें वाईफाई कनेक्ट करता हूँ, या फिर मैं इसमें यूट्यूब ओपन करता हूँ, तो मेरे को इसमें थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ी स्लो सी हो गई है टीवी, ऐसा मेरे को इस टीवी में देखने को मिला है दोस्तों। अदरवाइज दोस्तों बाकी कंप्लीट हैं और अच्छी चल रही हैं। अब अपन बात कर लेते हैं सेटिंग की दोस्तों। तो सेटिंग जब भी ओपन करता हूँ तो थोड़ा सा 1 सेकंड या हल्का सा आधे सेकंड का ये टाइम ले रही है टीवी, क्योंकि दोस्तों इसका परफॉर्म प्रोसेसर इतना फास्ट नहीं है, और 1 GB होने रैम होने के कारण दोस्तों मैंने इसमें ऐप भी इंस्टॉल कर सके हैं, हॉटस्टार, जियो टीवी वगैरह मैंने इसमें इंस्टॉल कर रखे हैं, तो उसमें स्पेस कम होने के कारण थोड़ी परफॉर्मेंस लो हो गई है टीवी की दोस्तों। अदरवाइज आप इसको वाईफाई कनेक्ट करके आप इसका यूट्यूब से या फिर हॉटस्टार, जियो टीवी वगैरह इसमें यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास किसी प्रकार की डिश टीवी है या फ्री वाली टीवी है तो उससे भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें फ़िलहाल फ्री वाली यूज़ करता हूँ, आप देख सकते हैं, मैं आपको वो भी चला के दिखाऊंगा, यूट्यूब पर एक सॉन्ग और इसकी क्वालिटी भी आपको चेक करवा दूंगा। तो सबसे पहले अपन यूट्यूब पर बात करते हैं, तो यूट्यूब पर आप देख लीजिए ओपन कर रहा हूँ मैं कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा हल्का सा टाइम जरूर लेता है इसमें, बट यूट्यूब काफ़ी अच्छा वर्क करता है इस टीवी के अंदर, और मेरे को पर्सनली आपको बता दूँ तो इस टीवी की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी यूट्यूब के ऊपर दोस्तों। आप देख सकते हैं, मैं ये सॉन्ग प्ले करके दिखा देता हूँ आपको। क्वालिटी आप देख सकते हैं, जैसी क्वालिटी आप यूट्यूब की आप रखोगे वैसी क्वालिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप अगर ये देख लीजिए 4K क्वालिटी है, तो दोस्तों इसमें 4K क्वालिटी भी सपोर्ट करती है, तो ये काफी अच्छी बात है। क्वालिटी और साउंड क्वालिटी आप दोनों देख सकते हैं दोस्तों कैसी है इस टीवी की। 4K वाला वीडियो भी इस टीवी के अंदर सपोर्ट करता है दोस्तों, आप देख सकते हैं 4K वीडियो सपोर्ट करता है इस टीवी के अंदर, जो कि मार्क्यू टीवी के अंदर नहीं करता है। ये उस टीवी से काफी ज्यादा टीवी अच्छी है। तो दोस्तों ये रही अपने YouTube की क्वालिटी और इसकी साउंड क्वालिटी। अब मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास फ्री टू एयर वाली डिक्स लगा रखी है मैंने, वही यूज़ करता हूँ मैं। ये देख लीजिए परफॉर्मेंस थोड़ी स्लो है दोस्तों, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने देखा ही होगा अभी कैसी परफॉर्मेंस थी, मैंने इसको बैक किया तो ये कितना स्लो से हुई थी। तो दोस्तों वो क्या होता है कि समय के साथ थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता रहता है परफॉर्मेंस में, इस कारण ये हो रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ फ्री टू एयर वाली मेरे पास वो है डिस्क, उसकी क्वालिटी कैसी है उस पर मैं आपको एक बार, ये देख सकते हैं मैंने इस पर होम पर क्लिक किया, थोड़ी सी स्लो हो गई है पर ऑलमोस्ट सही है। ये फ्री टू एयर वाली डिश चला के दिखाता हूं मैं आपको। फ्री करना है 1 महीने बाद, आज से यानी 4 हफ्ते बाद वो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बताएंगे कि बातचीत किस डायरेक्शन में जा रही है, हैदराबाद में मीडिएशन होगा। तो दोस्तों ये देखिए आपने, ये है इसकी क्वालिटी फ्री टू एयर की, और इसकी पिक्चर क्वालिटी भी और वॉइस क्वालिटी भी आपने देखी होगी दोस्तों। तो दोस्तों ऑलमोस्ट इसका जो मैंने 3 मंथ यूज किया है, इसका रिव्यू यही है कि दोस्तों अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, बस थोड़ा प्रोसेस थोड़ा इसका स्लो हो गया है, बाकी अदरवाइज इसकी पिक्चर क्वालिटी एज इट है, और दोस्तों जो साउंड क्वालिटी है वो भी एज इट इज़ है,
का कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं देखने को मिली मेरे को, ओनली बस इसमें थोड़ी परफॉर्मेंस में थोड़ी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, वो जो कि अपने फ़ोन के अंदर भी टाइम टू टाइम ऐसा होता रहता है, जैसे जैसे टाइम निकलता है उसे ऐसे अपना फ़ोन भी स्लो होता रहता है। वैसे वैसे ये एक एंड्रॉयड टीवी है तो दोस्तों इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ ये टीवी काफ़ी अच्छी है दोस्तों। तो दोस्तों बस वीडियो में आज इतना ही, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा वीडियो लाइक कीजिए, वीडियो में नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू, कीप सपोर्ट, कीप लव, हैव अ गुड डे।